दोस्तों सबको पता है भारत कब से अमेरिका से जेट इंजन की मांग कर रहा था। दोस्तों भारत ने अमेरिका से जेट इंजन की सारी टेक्नोलॉजी के साथ डिमांड कर रखी थी, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। इसलिए भारत ने अपने तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए ब्रिटेन से बात करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद भारत ने फ्रांस से भी इस मामले में बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका का जेट इंजन को लेकर रवैया थोड़ा नरम पड़ा है। आपको बता दें, इस वक्त अमेरिका में आर्थिक संकट बना हुआ है। अमेरिका का टोटल कर्ज 30 ट्रिलियन के पार हो चुका है। अमेरिका लगातार खुद को आर्थिक संकट से उभारने की कोशिश कर रहा है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका इंडिया के साथ जेट इंजन की डील को लेकर नरम होता दिख रहा है। फिलहाल अमेरिका ने जेट इंजन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका के पेंटागन के प्रवक्ता एरिक पहोन ने कहा है कि हमने अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। इसके साथ ही कुछ नई चीजें बाहर निकल कर आई हैं, जिसमें पीएम मोदी की अगले महीने की अमेरिका यात्रा के दौरान इंडस एक्स नाम से एक डिफेंस प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इस इंडस एक्स डिफेंस प्रोग्राम के अंदर इंडिया अमेरिका की क्या साझेदारी होगी, इसकी जानकारी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। दोस्तों अमेरिका ने जेट इंजन के साथ आर्टिलरी गन बनाने की बात का भी खुलासा किया है कि आर्टिलरी गन लॉन्ग रेंज की होगी। दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई और भी मजेदार है। अमेरिका इंडिया का सहारा लेकर चाइना को रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे, जिससे अमेरिका एक तीर से दो निशाने लगा सकता है। एक तरफ चीन को रोक सकता है, दूसरी तरफ भारत को हथियार बेचकर मोटा पैसा कमा सकता है। इसलिए अमेरिका अभी तक भारत को अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका को फायदा कम होगा। साथ ही इंडिया अपने देश के अंदर ही हथियारों का प्रोडक्शन करने लगेगा। दोस्तों यही सारी चीजें तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर देरी पैदा करती जा रही है।